राम राम भाई सारे भैया ने, मैं वो भी सनौली खुर्द गांव में और दूसरे रास्ते पे हूँ अभी, जो कि मैं अभी जिस रास्ते पे हूँ ना वो रास्ता सीधा जाता है नवादा गांव में। अभी आपको मैं आसपास के यहाँ पे ना एक बार खेत दिखाता हूँ। देखो भाई, इन खेतों में लगभग 10-12 फुट गहराई का पानी भर चुका है और अभी यहाँ पे जो आम लोग है ना अभी उनसे बातचीत करते हैं। एक बार बताओ जी, इस गांव के हालात बताओ एक बारी। कल से पानी आना शुरू हो रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ जी, गांव के अंदर भी आया या अभी गांव के बाहर ही बाहर चल रहा है? बच रहा है, बाहर ही बाहर है, खेतों अच्छा, में। अच्छा, खेतों में। हाँ। खेतों में यहाँ पे कौन कौन सी वे थी फसलें? धान और ज्वार। ज्वार और उनको यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। हाँ जी, बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग क्या करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा? लगभग 10-15-20 करोड़ रुपए का, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, पूरा एरिया नहीं डूब गया? पूरा एरिया डूब गया, अरबों खरबों का नुकसान हो गया। चार काम डूब गया, क्या काम डूब गए जी? तीन काम हो गए गहरी रखी हमारे एरिया में, तो तीन काम गहरी में पत्थर गढ़ पार। अच्छा, मतलब कि वे डूबने की स्थिति में? अच्छा, अच्छा, गांव में गए डांगर भैंस सभी निकाल दी। अच्छा, गांव का गांव खाली हो गया? नहीं, गांव का गांव खाली नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, आप बताओ जी गांव के क्या हालात है? गांव डूबने की कतार पे है। अच्छा, अभी चंद घंटे दो घंटे में देखो क्या होता है। एक दो घंटे के अंदर गांव के अंदर पानी वो कट जाएगा परिवहन से? अच्छा, अगर ऐसे ही पानी चलता रहे तो गांव के अंदर पानी आ जाएगा। छोरे भाई साहब अपने इनसे पूछो। भाई जी ना बता दे, ठीक बता दे, दो घंटे में एक घंटे में हो जाएगा काम हो जाएगा। यो कितनी पक्का है? पक्का। पानी पीछे से भी तो आ रहा है ना? हाँ। पीछे तो जो कल कल सुबह छोटे था। हाँ। तो हर घंटे बाद करीब 8 लाख के करीब छोटे था, वो अब निकलना शुरू हुआ है। वो निकलेगा, 3 जगह का बंधा टूट रहा, वो सारा यही आओगे और कहाँ जाओगे फिर? दिल्ली किस लिए जाओगा? एक दो जगह के बंदे तो मैंने भी कवर किए थे। अभी मैं आपके गांव के ना उस साइड घूम के आया था, तो वहाँ पे भी वो टूट गया बंदा, और वहाँ जो जोड़ था ना उस जोड़ में पानी बहुत ज्यादा आ गया। वो अब धीरे धीरे ना जो उस जोड़ के साथ में जो घर है अभी उनके घरों के अंदर पानी जा रहा है। लोग गांव से पलायन करने लगे हैं। अच्छा, अच्छा, आप भाई साहब आप ही यहाँ से आए हो क्या? मेन रोड से यहाँ पे, यहाँ पे कितना कितना पानी है? काफी पानी है भाई, घुटनों तक का है। घुटनों तक का पानी है? तो आप अकेले खींच के ले गए बाइक ना के चारों ऐसे बैठे आए? अच्छा, तो अगर आप वहाँ से आ रहे थे तो आसपास के गांव का क्या हाल है भाई? चुगर तो वो पानी है थोड़ा, पेंडी पेंडी पे चढ़ रहा है। अच्छा, तो घरों के अंदर भी जा रहा है पानी भाई? चले जाओ, सांझ तक का, तो सांझ तक चला जाएगा, मतलब कि नुकसान भी होने वाला और कई हजार करोड़ का नुकसान है जमींदार का, तो इतना नुकसान है 10 किलो की लंबाई की 5-7 फुट गहरी मैटी हो। लेकिन अगर 2 करोड़ की मैटी रोज भी पूरा नहीं होगा उसका। 2 करोड़ रुपए की माटी गिरवाई थी उसने? गिरवा होगा जब भी पूरे नहीं होने की, जब भी नहीं होंगे पूरे। कितना मोटा नुकसान है, किसान मर गया। अब की बार किसान मर गया? अब की बार नहीं कुछ भी भाई, अब की बार तो जहर खाएगा मरा किसान। ठेके वाला तो मर जाओ बेचारा, ठेके वाला। हाँ, वो तो मर जाओ। हाँ, क्योंकि भाई साहब उसने ठेके पे जमीन ली होगी। टेप तो कुकर खराब, पैसे के ऊपर नहीं कोई मतलब थोड़ा ही बात किसी ने, कर्जा ठेके ठाव मकान सोना आगे मेरा किसके है जी? बिल्कुल घर है भाई, ब्याज पंटे पर लेवा दियो, ब्याज पंटे पर लेवा बता, कुकर ब्याज भी नहीं, अपने पेट के दाड़े में झड़ते नहीं ब्याज भी नहीं चढ़ेगी। ठेके पे जमीन ली घर है भाई साहब? ना बिल्कुल सही बात है। चलो चलो करके है कम दे रखे उसने, जिन्हें लेके मेरे मन में थोड़ा भाड़ा है बस। भाई आपकी भी जमीन थी, आपके भी किले है? अच्छा, आप क्या किले ले रहे हो भाई? अच्छा, अच्छा, पानी हमेशा पूर्व से पश्चिम की साइड में जाओगा तो इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। सामने पानी का, ये जो अभी जो गांव के हालात है ये जो पहले भी ऐसा पानी आया था क्या इस गांव में कभी? अच्छा, 1978 में ऐसा पानी आया था पहले? भाई आप लोगों की तो यादगिरी में ये सबसे पहली बार आया हुआ, आप जवान पीढ़ी हो। जवान पीढ़ी बिल्कुल।
तो आप देख सकते हो भाई, नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका है और गांव के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है भाई। आपने छोटे छोटे बच्चे पे करोगे बता बाबा भाई, मनुष्य तो कुछ खा भी ले, पशुओं का ज्यादा दिक्कत। हाँ पशुओं के चारा वगैरह सब खत्म हो गया ना। हाँ पशु चारा भी खत्म हो गया भाई, बिल्कुल सभी की आई है या मुसीबत। बिल्कुल हरियाणा का मोटा नुकसान हो गया। ठीक देखो भाइयों, ये है गांव की रियलिटी, गांव के असली हालात। अगर जो चीज़ हम मेन शब्द में बयां करा तो वो ये है। देखो भाई, जमुना का पानी आन ला रहा और इस साइड जान ला रहा, और उस साइड है सुनोली गांव का मेन रोड, और ऐसे पानी जाके पूरा सुनोली गांव में बढ़ जाएगा भाइयों पानी। भाई ये है ग्राउंड रियलिटी। अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना, यहाँ पे कम से कम भी भाई एक फुट पानी है, और आप देख सकते हो लोग भाई इस पानी में कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं। देखो भाई, भाई ये है गांव के हालात। देखो भाई, यह गांव की पूरी ज़मीन डूब गई, कम से कम भी है ना 10-12 फुट गहरा पानी इसके अंदर है अभी हाल फिलहाल। भाई कहाँ से आ रहे हो आप, खेत देखने गए थे? नहीं बस वैसे फिरने गए थे। भाई जो गांव के हालात हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे आप? गांव के हालात बड़े मतलब की गंभीरता से गुजर रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे गांव में आप देख ही रहे हो, ये जो इसको बोलते हैं ढांगा बोलते हैं इसको, अच्छा ये सारा कवर हो चुका है और ये किसी भी टाइम टूट सकता है, इतना ओवर फ्लो पानी हो चुका है। ओवर फ्लो पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई। ठीक है, किसी भी टाइम टूट सकता। आप कौन से गाँव के हो? सनोली खुर्द। ठीक है भाई, देखो भाई अंकल जी साइकिल लेके जान लाग रहे हैं, बड़ी बात। गेट तो साइकिल ना क्यों गेर होता हूँ। ये जो हालात है गांव के, ये आपने अपनी उम्र में पहले भी देखे थे? अब की बार ऐसा पहली बार हुआ। 78 में इतना पानी था यहाँ ना, 78 में ये हालात थे, ये पहला रिकॉर्ड चार साल बाद में 78 के बाद में अब की बार 2023 में ऐसे हालात हुए। अच्छा 15 साल का जिम में आप जब उस टाइम पे 15 साल के थे, तो अभी गांव को कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो पूरा ही है, गांव डूबने की बिल्कुल, मैं जो कहते हैं ना आसार है, गांव डूबने की पूरी तरह से आसार है। आसार है जी, पूरे इधर गांव डूबने नहीं पड़े हमारे। हाँ। राणा माजरा इधर, और जो अभी आपके गांव का जो वो बांध है ना बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रहा, अगर वो टूट गया तो आप ये मान के चलो जो जोड़ के साथ में जो घर है ना वे पूरी तरह से डूब जाएंगे। पूरे डूब रहे, भी डूब रहे, पानी जाए लेने करो ना कितने में। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? पूरे गांव में पानी पानी हो गया। अच्छा इधर से जो है पानी लग रहे। अच्छा भाई ये है गांव की मेन रियलिटी, आप जो देख रहे होगे बिल्कुल गांव वाले भाई सभी आगे अपना यहाँ पे आगे देख रहे हैं, और गांव वाले भाई एक किस्म से पहरा दे रहे ताकि अगर पानी गांव के और अंदर जाता है तो वे सभी को बता देंगे, और फिर अपना जो भी भाई डांगर है पशु है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये एक दुविधा की घड़ी है, इसमें सभी को परेशानी है, छोटे से लेके बड़े तक जीव जंतु को जानवरों को सभी को परेशानी है। देखो हाँ ना बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होगी पानी किसी टाइम घरों के अंदर जा सकता है, पूरी स्पीड तो जाना है। एक बार आप है ना इस पानी का बहाव देखो भाई, कितनी तेज बहाव है पानी का, और ये बाइकों पे बाइकें आ रही है देखो भाई है? वो वहाँ पे है ना भाइयों दोस्तों, वहाँ सामने एक स्कूल है आपको दिखाई दे रहा होगा, वो स्कूल भी पूरी तरह से डूब गया है, और वहाँ पे जो स्कूल के कमरे हैं वगैरह रूम है वो पूरी तरह से डूब गए हैं। अभी आप देख सकते हो हालात बहुत बुरे हो चुके गांव के, और ये छोटे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाइयों? मजे ले रहे हैं भाई, अपना भाई घर पे रहो आप, अपना सुरक्षित स्थान पे रहो, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना हो सकती है, माहौल ऐसा है। अपने घर पे रहो भाई, अपने माँ बाप के साथ रहो, ठीक है? कहाँ जा रहे हो भाई साहब आप? पानी देखने जाओ भाई, स्पेशल पानी देखने जाओ, पानी और साइड में ही देख लो। इतना रिक्स मत लो भाई साहब, देखो जान कीमती है, जान जीवन अनमोल है।
ये हालात आपने पहले कभी देखे अपने गांव? पहली बार देखे। अच्छा, गांव वाले कह रहे कि 2013 में भी ऐसे हालात हुए थे। अच्छा, देखो भाई, बाइक में कहां कहां तक पानी चला गया। देखो भाई कितना पानी है, कम से कम 1.5 फुट की ऊंचाई वाला पानी है, और कितनी तेजी से आप इस पानी का वो देख सकते हो, फ्लो बहुत तेजी से है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने गांव के हालात देखे होंगे, गांव के लोग कितने परेशान हैं, वे कितने संकटों से जूझ रहे हैं, वे गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद यही रहेगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोग देखें और ज़रूर यहाँ पे आए और इस गांव की मदद करें। क्योंकि देखो भाई, जब चीज़ें हमारे वश में नहीं रहती ना, तो जब आमजन होता है ना, वो साथ देता है चीज़ों का। तो आप सभी इस गांव की मदद कीजिए।